सारा जो है लौट कर चली गई पोलैंड और मैं निकल पड़ा डेनमार्क अपने दोस्त से मिलने के लिए, जो कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हमने बहुत सालों तक एक साथ काम किया है और हम बहुत सारे ट्रिप पे एक साथ गए हैं। पासपोर्ट चेक नहीं होता यहाँ पे और मिल जाएगा। आ गए बाहर, कितनी ठंड है यहाँ पे, देखिए जरा बाप। ये देखिए डेनमार्क का बस स्टॉप बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने, एयरपोर्ट से एग्जिट करते ही सीधा यहाँ है। ये देखिए आ गया बस मेरा 166। बस डेनमार्क का पहला बस राइड। आपको हेरा फेरी का एक सीन याद होगा जहाँ पे अक्षय कुमार के हाथ में 2000 का नोट होता है और वो नहीं सॉरी 1000 का नोट था, उस समय तो 2000 आया भी नहीं था। तो कुछ एग्जैक्टली इस तरह से ही मेरे साथ हुआ। मेरे पास 500 डेनिश क्रोन था जो कि बस वाले को मैंने दिया और बस वाले ने लिया नहीं, मुझसे कहा कि चेंज नहीं है और इस तरह से पैसा भी नहीं लिया उसने मुझसे। हाँ भाई क्या हाल है? पहुंच गया तू? पैसे नहीं लिए उसने? चल बढ़िया है। तो इस तरह का जब देख रहे हैं आप बिल्डिंग्स, नया स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये सब जो सारे हैं स्ट्रक्चर जो है सारे इमिग्रेंट्स का है जिनको यहाँ ठहराया गया है, जैसे कि आपका सीरिया से, जैसे जो भी यहाँ पे इमिग्रेंट आए इस कंट्री में, ये उनसे उनका रहने के लिए उनको बनाया गया है। ये सब इमिग्रेंट्स के रहने के लिए है जो लोग सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से, जिनको भी यहाँ पे शेल्टर दिया गया है, ये सब इसमें ही रहते हैं। अच्छा लग रहा है देखने में। और भी है यहाँ पे रेंटेड हाउस भी, आप रेंट पे भी रह सकते हैं। आप देखिए कैसे साइकिल रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ साइकिल का जो कल्चर है बड़ा बढ़िया है, हर जगह आप लोगों को देखेंगे साइकिल चलाते हुए। यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है कितना हेल्दी लाइफ स्टाइल है, लोग जब सब चला रहे हैं यहाँ पे साइकिल। होल्डिंग देखिए लिखा हुआ यहाँ पे शहर का नाम जो है। शॉप्स तो बहुत है पर बायर्स ही नहीं है, सब खाली नज़र आ रहा है बिल्कुल। देखिए घर कितना सुंदर है, 1589 में बना है। मतलब एक चीज़ यूरोपियंस ने जो सीखा है वो कैसे किसी चीज़ को आप सुंदर बना सकते हैं, कलरफुल। और उसके अलावा जैसे हमारा टेक्नोलॉजी जो है मोर, फॉर एग्जांपल मेट्रो हमारा ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अच्छा है, फिर भी जो है कलरफुल नहीं हम बनाते हैं। और इनका काम क्या ना, ये किसी चीज़ को कलरफुल बना देते हैं। ये चर्च देखिए कैसा है, ये देखिए क्या स्टोर है, आई एम गेनब्रोग। क्या स्टोर है भाई ये? यार ये लोग क्या करते हैं कि इधर आ जाओ। ये लोग क्या है जो एजड बुढ़े होते हैं ना, उन लोगों को जॉब देते हैं। अच्छा तो क्या होता है कि जैसे अमीर लोग हैं उनके पास, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए और उनके यूज़ के नहीं हैं, तो एक आधा बार ट्रायल में यूज़ किया
नहीं पसंद आया तो दे देते हैं इनको, दान कर देते हैं एक तरीके से, डोनेट कर देते हैं फ्री में। फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एशियंस हैं या गरीब यूरोपियंस भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। अब समझ लो जैसे ड्रेस है, वाइट ड्रेस है, ये वहाँ पे 8,000 crore का मिल रहा है स्टोर में, 10,000 crore का मिल रहा है, ये यहाँ पे तुमको 500-600 crore में मिल जाता है, ब्रांड न्यू क्वालिटी अच्छा है। तो वो क्या होगा, मैंने 500-600 crore में ख़रीदा, लेकिन जो बुढ़े यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि उनकी सैलरी निकल जाएगी, इसका रेंट निकल जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगी प्रॉपर्टी, और ये प्रोडक्ट दोबारा से यूज़ हो जाएगा जिसके यूज़ का है। अच्छा सही बात ये। हाँ तो अब तो अंदर आके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो, चेयर 45 crore का चेयर है, ये 450 rupees का पूरा वुडन चेयर, वाह हाँ ना सस्ता। वो 5 crore का है, वो जो ऊपर ग्रोसरी है वो 5-10 crore का है। अरे वाह, 5 crore में इतना अच्छा ग्रोसरी मिलेगा, क्रॉकरी ग्रोसरी 2600 crore का है। न्यू प्राइस मैंने बोला था 10,000 का, तो 2600 crore का है और ये नया है, ये यूज नहीं है, एक आध बार यूज हुआ नहीं तो। मुझे लगता है कि ये जो स्टोर से आउटडेटेड निकाल देते हैं ना, ये यहाँ आ जाते हैं कई बार। अच्छा हाँ, कोई ले नहीं रहा है। हाँ देखिए क्रॉकरी कैसे है, देखिए कैसे ये सब पुराने पुराने चीज़ हैं जो यहाँ मिलता है। ये टी शर्ट देखिए फॉर एग्जांपल, अच्छा लग रहा है सर, 59 crore का, 59, ओह सब सेकंड हैंड है। ओ भाई रख ले भाई, हाँ कितने का है, 99 ले लीजिए, अच्छा है भाई बहुत। इंडिया में कितना का हो गया, 1,000 crore का वेट, देख हल्का फुल्का नहीं है, बाप रे भाई जीतल है ये तो, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो आपको रोड क्रॉस करना हो तो आपको ये यहाँ दबाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आता है ये, तो देखिए ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ घर बना हुआ है, कितना कलरफुल है, वाओ। और आ गया अब मैं फुटबॉल प्लेग्राउंड में, तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये डेनमार्क का छोटा सा शहर। और यहाँ पे एक क्रिकेट खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड है, देखिए कैसा बनाया गया है, वाह। तो ये जो ट्रेन स्टेशन है अभी आपने देखा, ये है कोल्डिंग का छोटा सा रेलवे स्टेशन, छोटा सा साफ सा सुंदर सा, देखिए तो यहीं पे आने वाली है मेरी ट्रेन 7:07 पे, अभी भी देखिए कितना लाइट है आसमान में, लगभग 9 बजे तक जो है तो सूरज का रोशनी जो है 9 बजे तक रहता है, स्पेशली अभी क्योंकि स्प्रिंग सीजन है तो रहता है इतना लंबा समय तक। एक और ट्रेन आ गया देखिए तुरंत, ये नया दूसरा ट्रेन, इस पर देखना पड़ता है आपको ऐसा जो स्क्रीन लगा हुआ है, इस पर कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा आपका ट्रेन। ये तो लगता है कार्गो है, माय ट्रेन हैज़ अराइव्ड, देखिए ट्रेन आ गई है, से
अभी जो ट्रेन जो है वो टनल जो है समुद्र में टनल है उसके थ्रू अभी पास हुआ, उसके अलावा समुद्र के ऊपर से पास हुआ, तो बड़ा अच्छा व्यू है इस ट्रेन का, जो जर्नी जो है यहाँ इस ट्रेन से उसका व्यू जो आ रहा है बड़ा सुंदर है। बस आपको दिखाता हूँ मैं इस ट्रेन में, जैसे कि सामान रखने के लिए आपको दो सीटों के बीच में जगह होता है यहाँ पर, है ना जगह, इसमें ये सूटकेस डाल देते हैं इसके अंदर। और ट्रेन में ऑब्वियसली गर्मी है, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होता है, तो आप आराम से जैकेट निकाल दीजिए, आराम से बैठिए। ये जो आप अमेजिंग दृश्य देख रहे हैं ये लगभग 350 साल पहले बनाया गया था।